शादी संबंधित व्यवस्थाओं का सुपर मॉल RNK केटरिंग एंड इवेंट्स, जहां पाएंगे टेंट, लाइट्स, कैटरिंग, बैंड, घोड़ा, वीडियोग्राफर, सब एक ही छत के नीचे। शादी हो या सालगिरह, बर्थडे हो या रिटायरमेंट, अब हर पार्टी के लिए पर्सनल हॉल एकदम फ्री और बजट में परिसर उपलब्ध है। शुभ परिसर, लकी गार्डन, गुरु नानक धर्मशाला, गंगराड़े धर्मशाला और नारंगीय धर्मशाला। तो फिर देर किस बात की, RNK केटरिंग एंड इवेंट्स है ना। संपर्क नितेश कपूर 9827370996, श्याम कपूर 9424816206। खंडवा में अधूरे पड़े स्विंग पुल निर्माण की मांग लेकर युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अधूरे पड़े स्विमिंग पूल का फीता काटकर इसका शुभारंभ किया और बाल्टी भर पानी लेकर अधूरे स्विमिंग पूल में नहाकर अपना विरोध दर्ज कराया। कांग्रेसियों का कहना है कि कई सालों से स्विमिंग पूल का काम अधूरा पड़ा है, यह स्विमिंग पूल भ्रष्टाचार की भेंट चल गया है। करोड़ों रुपए स्विमिंग पूल के निर्माण में लग चुके हैं, उसके बाद भी स्विमिंग पूल का काम अधूरा पड़ा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्थानीय नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि जनभागीदारी से स्विमिंग पूल बनाने के लिए करोड़ों रुपए का चंदा भी इकट्ठा किया गया था, लेकिन यहां के नेताओं के कारण ये स्विमिंग पूल भ्रष्टाचार की भेंट चल गया और कई सालों से इसका काम अधूरा पड़ा है। शहर को स्विमिंग पूल जैसी सौगात अब पता नहीं कब मिलेंगे। इस दौरान कांग्रेसियों ने चेतावनी भी दी है कि अगर स्विमिंग पूल का निर्माण कार्य पूरा नहीं होता है तो वह नगर निगम का घेराव करेंगे। बाइक दीपक राठौर, युवा कांग्रेस नेता। विषय इस बात का है कि जैसे प्यार की निशानी ताजमहल है, वैसे खंडवा में भ्रष्टाचार की निशानी स्विमिंग पूल है। यहाँ पर इतना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार है कि शायद वर्ल्ड वो लिम्का बुक में भी नाम आ सकता खंडवा का, इतना भ्रष्टाचार। यहाँ पर कुछ दिन 15 से 20 साल पहले मेरे देखते देखते बीजेपी के लोग साइकिल पर चूहा मार दवाई बेचते थे, आज वो कारों से घूम रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि यहाँ पर स्विमिंग पूल करीब 15 साल 10 साल से बना था, इसको 4 करोड़ रुपये पास हुआ था, तो ये 8 करोड़ लगने के बाद भी स्विमिंग पूल की हालत ज्यों की त्यों है। तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? यहाँ पर रोड बन रही है तो उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ पर अगर कोई चीज़ बन रही है तो उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ कमीशन और भ्रष्टाचार चरम पर है। आज क्या किया आपने? आज हमने इसका विरोध प्रदर्शन किया, 15 साल से इसका उद्घाटन नहीं हो पा रहा था, तो हमने युवक साथियों ने सबने मिलकर आज इसका फीता काटा, नारियल फोड़ा और यहाँ पर बाल्टी से स्नान किया ताकि नरक निगम जागे और इसका जो काम बंद पड़ा हुआ है उसको जल्द से जल्द चालू करवा और खंडवा को अच्छी सौगात दे।